والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله قدرة وباسيرا. सादरी सरकार खवातीन हजरात, आज मुझे आपके इस इलाका में पीर तरीकत अल्लामा मोहम्मद नदीम तारिक नदीम साहब के ज़रिए आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ पीर तरीकत पीर मोहम्मद सलीम लक्ष्मणी जिनका आस्थाना आलिया पाक वतन शरीफ में बरका हाउस में है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप पिछली तकरीब में भी हम इकट्ठे थे और ये मज़ीद मेरा सबक सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। चेक करना चाहते हैं कि अब्दुल वाजिद ने जो हमसे सीखा है क्या इसे सबक याद नहीं है या भुला जाता है। तो मैं अपने बुजुर्गों को इनके पास खड़े होंगे या मुझे तक बैठ के बयान करवाएंगे या खड़े होंगे, मैं खड़े होंगे सबक सुनाऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट जब भी टीचर के सामने सबक सुनाते हैं खड़े होकर सुनाते हैं, इसलिए मैंने खड़े होकर सबक सुनाना मुनासिब समझा है। मुझे मालूम हुआ कि हजरत साहिब की यहाँ पे बाकायदा मजलिस जिक्र होती है, यहाँ पे तालीम और तरबियत का एक बाकायदा इंतज़ाम है, मजलिस होती है। सादे इस प्रकार मैं चूँकि एक दरवेश की मजलिस में आया हूँ तो मैं दरवेश पीर की बात करूँगा। चूँकि मैं एक मजलिस जिक्र में आया हूँ तो मैं जिक्र के मौजू पर ही बात करूँगा। मेरा जी चाहता है एक दफ़ा सारे साथी मेरी नींद को उड़न करने के लिए, क्योंकि मैंने तकरीबन 7 घंटे का सफ़र किया है ना, 7 घंटे का सफ़र किया है, तो मेरी नींद को ज़रा उड़न कर दें, एक बार मेरे हुज़ूर के दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरा दिल खुश नहीं हुआ आपकी कसम से, फीका फीका ऐसे बुझा बुझा सा दुरुस्ती का हदिया नहीं, मुझे मेरा दिल खुश नहीं हुआ। एक बार फिर एक बार सब पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि मुहम्मद। हज़रत अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें उर्फ़े आम में हज़रत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, आपकी एक मशहूर समाना किताब कश्फुल माजून, आप फरमाते हैं दरवेश की खूबी क्या है, दरवेश की परेशानी क्या है, किसको देख के आप कह सकते हैं इंसान दरवेश है? सूफी दरवेश वलियता है। आप फरमाते हैं दरवेश की 3 खूबियाँ होती हैं, एवरी सेंट हैज 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज इन हिज कैरेक्टर। दरवेश की 3 खूबियाँ होती हैं। आप फरमाते हैं दरवेश की पहली खूबी जो होती है, साधने से मकान मैं आप सबकी तवज्जो को सलाम पेश करता हूँ। पहले मुझे ज़रा अजीब अजीब लगा था लेकिन अब आप सबकी तवज्जो है अल्हम्दुलिल्लाह। समाज फरमाइए, आप फरमाते हैं दरवेश की पहली खूबी ये होती है
कि उसके अंदर मैं नहीं होती, बस तू होता है। दरवेश की मैं नहीं होती, दरवेश की मैं मानी होती है। और किसी दरवेश के पास, किसी सूफी के पास, किसी अल्लाह के वली की मजलिस में बैठ कर जो सबसे पहली तब्दीली आती है बंदे के अंदर, बंदे की तो मैं मर जाती है। मैं यदि बंदे के अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं होता, जो अल्लाह का वली है, दरवेश है, सूफी वंश इंसान है, जो दरवेश वंश इंसान है, उसके अंदर मैं नहीं होती, उसके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होती, अना होती है, खुददारी होती है, मैं नहीं होती। खुददारी दो चीज है, उसके अंदर मैं नहीं होती, अकड़ नहीं होती, उसके अंदर गुरूर कोई नहीं होता। और हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरवेश की दूसरी खूबी ये होती है कि उसे दुनिया की दौलत का लालच कोई नहीं होता। और अगर आपकी त्वचो जरा हो तो मैं एक बात इशारतन करने लगा हूँ, आपको समझ आएगी। दरवेश की नजर जेब पे नहीं होती, जेब से पीछे होती है। दरवेश की नजर जेब पे नहीं होती, वो दरवेश यहां से जेब से निकलवाना नहीं चाहता, उसके पीछे कुछ डालना चाहता है, वो नूरे हदायत की चमक देना चाहता होता है, वो तसव्वुफ का नूर अंदर भरना चाहता होता है। आप फरमाते हैं दरवेश की पहली खूबी ये होती है। मैंने अभी आपसे ये पूछना है, मैं सब बच्चों से पूछूंगा, मैंने अभी क्या बताया कि भला आपको मेरी बात याद भी नहीं कहता। आप फरमाते हैं दरवेश की पहली खूबी ये होती है कि उसके अंदर मैं नहीं हूँ। दरवेश की दूसरी खूबी ये होती है कि उसकी नज़र लोगों की जेब पे नहीं होती, उसे दुनिया की दौलत का कोई लालच नहीं होता। तीसरा, दरवेश की आप फरमाते हैं तीसरी खूबी ये होती है, उसकी मजलिस में बैठने वाले गुराबा गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, वो अमीरों के बंगलों में पा के नहीं जाता होता, वो गरीबों के पास जाना पसंद करता है और गरीब ज़्यादा उसकी मजलिस में बैठना पसंद करते हैं। दरवेश और दरवेशी, दरवेश की सबसे पहली जो सिफत है वो क्या है, उसकी खास किस्म के चोले नहीं, कोई खास किस्म के कड़े जी नहीं। दरवेश की जो सबसे पहले उसके किरदार में, उसके जहन में, उसके दिल में, दिमाग में जो पहली खूबी आती है, मैं वो अर्ज कर देता हूँ। हो सकता है दरवेश आपका मजबूत बाप भी हो सकता है दरवेश आपकी माँ के रूप के अंदर भी मौजूद हो सकता है दरवेश आपकी गली में जो रेड़ी वाला गुजरता हो उसके अंदर भी दरवेश की खूबियाँ पाई जाती हो। लेकिन दरवेश को तीनों पहली खूबियों के बावजूद आप फरमाते हैं दरवेश उस वक्त तक दरवेशी की पहली सीढ़ी की भी कदम नहीं रख सकता जब तक कि उसके अंदर एक खूबी ना हो। और वो खूबी यूँ कह लें एडमिशन फॉर्म जब उसने वो खोल ना किया हो, दरवेशी की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जो एडमिशन फॉर्म है उसका नाम है ईमान। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू युदखिलुहुम मिन ज़ुलुमाति इला नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुम अत्तागूत युख्रिजूनहुम मिन नूर इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। ईमान, साहिब ईमान होना, ये दरवेशी की सबसे पहला एक सर्टिफिकेट है। जब ये मिलता है उसके अंदर तीन खूबियाँ, मैं नहीं होती, दरवेश ये नहीं कहेगा मैं आपके घर आऊँगा मुझे कहाँ बिठाया जाएगा, मेरी मस्जिद सबसे ऊपर होगी, नहीं मैं आऊँगा इश्तिहार में मेरा नाम कैसे लिखा जाएगा, कितने बैंदर अवेजा किए जाएंगे, दरवेशी की शान के खिलाफ है, ये शान दरवेशी के खिलाफ है। और दूसरा,
दरवेश के अंदर दुनिया की दौलत का लालच नहीं होता। और अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसे लोगों की मजलिस में आया हूँ कि जिनके अंदर ये तमाम खूबियाँ बदरजे अदम पाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सामिनी जिम्मेदार दरवेशों के पास बैठ गई एक चीज़ मिलती है, क्या दरवेश अपना अपनी जात का तारुफ नहीं करवाता, दरवेश अल्लाह से मिलाता है। सुभान अल्लाह। दरवेश अल्लाह से मिलाता है। दरवेश कहता है मेरे पास बैठो इरफान इलाही मिलेगा, और फिर मिलता है दरवेश जिक्र की चोट देखने लगाता है, अल्लाह का जिक्र होता है। अच्छा, अल्लाह का जिक्र कितनी बड़ी चीज़ है समाज।